दोस्तों स्वागत है आपका विजयपथ एजुकेशन गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन ऐप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आपका स्वागत है। और हमारी विजयपथ गवर्नमेंट ऐप के माध्यम से अगर इस क्लास को लगा रहे हैं तो उस पर भी आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं सामान्य ज्ञान, जो कि सरकारी नौकरी के लिए उपयोगी प्रश्न, जो कि पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, उनको देखते हुए मैं उन सवालों को लेकर आया हूं। जरूर बताइएगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और क्या आपको ये क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिले कि नहीं मिले। पहला सवाल, मानस वन्य जीव अभयारण्य जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? मानस वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं सिक्किम, असम, मेघालय और उत्तर प्रदेश। तो सभी आंसर साथ साथ में दे सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वो है असम। मानस जो वन्य जीव अभयारण्य है ये कहां पर है? असम में स्थित है। इसे 1995 में विश्व विरासत के रूप में चिन्हित किया है और 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व का भी दर्जा जो है वो दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर स्थित है? सभी साथ साथ में वीडियो के साथ करिएगा और कमेंट करिएगा। ऑप्शंस हैं झारखंड, कर्नाटक, साथ साथ में वीडियो के साथ साथ में ही कमेंट करते रहिएगा। सभी से निवेदन रहेगा कि सभी साथ साथ में जो है वीडियो के साथ बने रहे और साथ साथ में ही शेयर भी कर दें, वीडियो के साथ साथ में ही शेयर कर दीजिएगा। तो करेक्ट आंसर देखेंगे हम, बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो कहां पर है? कर्नाटक में स्थित है। कहां पर है? कर्नाटक में स्थित है। ये इसका आंसर था। ये इससे जुड़े हुए सवाल हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? श्री बिंकटेश्वर जो है वो कहां पर उद्यान है? आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। बसदा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? गुजरात में है। मोलेम कहां पे है? गोवा में। इंद्रावती यानी कि कटुरू कहां पर है? वो है छत्तीसगढ़ में। कुंद्रेमुख कर्नाटक में, अंशी कर्नाटक में, बेतला झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट आ जाता है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर साथ साथ में कमेंट करिएगा। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो है राजस्थान। कहां पे है? राजस्थान में। और टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो सतपुड़ा मध्य प्रदेश, सरिस्का अभयारण राजस्थान, राजाजी उत्तराखंड, अमराबाद तेलंगाना, संजय डुबरी मध्य प्रदेश, ओरंग असम, कमलांग अरुणाचल प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये प्यारे बच्चों। इन्हीं को वन बाय वन सभी अभयारण्यों को जो है नोट कर ले, पेपर में आने वाले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं, गुबार ए खातिर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक? चार ऑप्शंस हैं। इसी प्रकार से पेपर में ऑप्शंस आती हैं। करेक्ट आंसर बता देता हूं इसका। करेक्ट आंसर है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है
वो इसका सही आंसर है। तो किताबों से जुड़े हुए क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसका है? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई है। काबुली वाला रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण अडवाणी द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। इथिकली रिजिलजन रिलीजन महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। और हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट आते हैं दर्रों से जुड़े हुए सवाल। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और झारखंड। तो इसका सही आंसर रहेगा वो है सिक्किम। सिक्किम में जो है नाथुला दर्रा स्थित है। और दर्रों पर जो है क्या क्या सवाल बनते हैं, देखिए दियांग दर्रा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नीति दर्रा कहां है? उत्तराखंड में। पेसिला कहां है? जम्मू कश्मीर में। उमलिंगला कहां है? लद्दाख में है। सेला दर्रा कहां है? अरुणाचल प्रदेश में है। गोइचला कहां है? सिक्किम में है। नामा दर्रा कहां है? उत्तराखंड में है। प्यारे बच्चों इस प्रकार से इन दर्रों को जो है वो अच्छे से परफेक्ट करके जाना। तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम या हिमाचल प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा तवांग मठ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मठों से जुड़े हुए सवाल बहुत बार आते हैं। हेमिस कहाँ है? लेह लद्दाख में। करदंग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रूम टेक कहाँ है? सिक्किम में। फोडोग कहाँ है? सिक्किम में। नाम द्रोलिंग कहाँ है? कर्नाटक में। और वायला कूपे कहाँ पर है ये मठ? तो ये है कर्नाटक में। तो बच्चों हम वो सवाल नहीं उठाते जो पेपरों में आते हैं, मैं वो सवाल लेकर आता हूं आपके लिए जो पेपरों में आने वाले, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल और डिफरेंट सवाल। बिरजा महान मंदिर, क्योंकि मंदिरों से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। बिरजा मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, लद्दाख। चार ऑप्शंस होंगी आपके पास, तो सबसे पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं, वो है उड़ीसा। बिरजा मंदिर कहां पर है? तो उड़ीसा में स्थित है। तो मंदिर है ये रमलेश्वरी मंदिर है उड़ीसा में, मंगेशी है गोवा में, सुंदरेश्वर है तमिलनाडु में, महाबोधि है बिहार में, उनाकोठी गुफा है त्रिपुरा में, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में, विरूपाक्ष मंदिर है कर्नाटक में। बहुत ही डिफरेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण अनुसंधान केंद्र, क्योंकि अनुसंधान केंद्र पर भी एक क्वेश्चन आएगा, तो हैदराबाद, लखनऊ, कर्नाटक और कोलकाता आपके पास ऑप्शन है। और करेक्ट आंसर भी बता देता हूं, कोलकाता इसकी करेक्ट ऑप्शन है प्यारे बच्चों। और मैं बता दूं अनुसंधान से जुड़े हुए केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ है? नागपुर। भू विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पे है? कोलकाता में। भारतीय पुरातत्व विभाग कहाँ पे है? नई दिल्ली। बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र कहाँ पे है? जोधपुर। वैसे शुष्क स्थान जो है वो स्पीति घाटी है हिमाचल का। वैसे नृत्यों पर जुड़े हुए सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट। पोपीर नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर रहेगा बच्चों वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का ये लोक नृत्य है। और ये लोक नृत्य से जुड़े सवाल का कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का। मोवाड़ा नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का। जंगला तालम कहाँ का है? मिजोरम का। सुंगी कहाँ का है? कर्नाटक का। नुप्पा कहाँ का है? मेघालय का।
ढाली कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। तरंग मेल कहाँ का है? गोवा का लोक नृत्य है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आ जाता है आपका अंबुबाची मेला जो है, किसे महाकुंभ भी कहा जाता है, ये कहां मनाया जाता है? अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला कहां पर मनाया जाता है? छत्तीसगढ़, असम, अरुणाचल प्रदेश या कर्नाटक? चार ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर रहेगा वो है असम। ये अंबुबाची जो मेला है ये असम का मेला है। और मेलों से जुड़े हुए सवाल बहुत बार आते हैं। साओ जो आओ महोत्सव कहाँ का है? तो गोवा का है। जॉन बील मेला कहाँ का है? असम का। हरेली महोत्सव कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। माजुली महोत्सव कहाँ का है? असम का। साजो कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। उगादी कहाँ का है? कर्नाटक का। होला कहाँ का है? मोहला ये पंजाब का जो है मेन उत्सव है। तो ये थी आज की क्लास जो कि आप हमारे साथ जुड़े और ये क्लास को आपने देखा और इस हिसाब से आपने हमें प्यार दिया अपना, उसके लिए आपका धन्यवाद। और बने रहिएगा इसी चैनल पे, हमारी नई ऐसी ही वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।